हे गाइस, तो आज का वीडियो हम शुरू करेंगे जिसमें मैं सेकंड आया और मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक बंदे को मैंने छोड़ दिया था एंड दैट फॉर दैट आई पेड अ हेवी प्राइस। तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं जहां से मैंने एक बंदे को किल करा था क्रेट के पास। तो अभी मैं दिखाता हूँ, राइट साइड में पानी में क्रेट गिरी थी और यहाँ पे दो लोगों की ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, एक को मैंने मारा था और इस गेम में मेरे पास 8x स्कोप है, स्काल है, AKM है और अभी आप देखेंगे कि पानी में बगल में वो पड़ी है, क्या कहते हैं, क्रेट पड़ी है। अभी तक मैं श्योर नहीं था कि क्रेट लूटी हुई है कि नहीं लूटी हुई है, तो मैं जा रहा हूँ पानी के पास देखने के लिए। मैं समझ गया था कि क्रेट नहीं लूटी क्योंकि इसमें M249 पड़ी थी जो काफ़ी लोग प्रेफर नहीं करते हैं किसी वजह से। तो मेरे पास ठीक ठाक लोड आउट है, स्काल है 8x स्कोप के साथ और M249 है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ अपने लोड आउट से। उनको देख लेते हैं हेल्थ वेल्थ है किसी के पास कि नहीं। दोनों में से किसी के पास भी हेल्थ नहीं थी तो काफ़ी अनलकी था, मेरे पास भी सिर्फ 4 ही बैंडेजेस थी। को रीलोड कर लेते हैं गन को। तब थोड़ा गेम में आगे बढ़ते हैं, ये सामने से गाड़ी जा रही थी और मैं सोच ही रहा था कि बस ये पलट जाए तो मैं उसको 8x स्कोप से मारूं, बट मैं डिसाइड करा कि अभी उसे छोड़ देते हैं क्योंकि चलती हुई गाड़ी में थोड़ा मुश्किल होता है उसे मारना और मैं अपनी लोकेशन रिवील नहीं करना चाहता था। और वो उस हैरी पॉटर टावर में जाके रुकी गाड़ी। तो कई बार किसी को नहीं मारना ज़्यादा अकलमंदी का काम होता है और एक यहाँ पे भी गाड़ी आके रुक रही है, एक और दार्सिया, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे दिखे वो बंदा, बिल्कुल सामने ही आके रुक गई मेरे, उससे बंदा भी निकल गया और मैं वेट कर रहा हूँ कि वो रुके और अब मैं शॉट ले लूँ उस पर। उसकी लड़ाई हो रही है शायद किसी से और हेड शॉट से मैंने मार दिया उसे। लेवल 1 हेलमेट ही था उसके पास और उसके आगे भी एक बंदा है, बट सिंस मुझे ये चीज़ें चाहिए थी तो मैं उसको लूटने का सोच रहा हूँ कि लूटूँ कि ना लूटूँ। तो देखते हैं क्या है उसके पास।
तो हेल्थ और एनर्जी ड्रिंक्स काफ़ी सारी हैं और सप्रेसर भी है और एक लेवल 3 वेस्ट भी थी। और दारसिया साइड से जा रहे थे, यहाँ पे एक और क्रेट पड़ी है बट मैं उसको लूटने का रिस्क नहीं लूँगा। मैं पहले सोच रहा था कि इन घरों में चला जाऊँ बट यहाँ पे फिर बाइक भी खड़ी थी, घर के दरवाजे भी खुले थे और सर्कल अगले सर्कल में भी मैं बाहर हो जाता, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं थोड़ा आगे चला जाता। और मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट पलटते पलटते बची, जो काफ़ी रिस्की हो सकता था इस वक्त। यहाँ पे भी बाइक खड़ी थी वरना मैं इन घरों में भी रुकने का सोच रहा था। और ये दारसी अब मुझे तभी से फॉलो कर रही है तो मैं इसे अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ये बंदा पीछे ही पड़ गया भाई, मतलब रुक ही नहीं रहा। फिर इन घरों में जाने की सोची तो यहाँ पे भी एक गाड़ी खड़ी हुई थी, मैंने कहा यहाँ पे भी बड़ा रिस्की है, सामने एक और क्रेट पड़ी थी बट फिर थोड़ा रिस्की हो जाता उस पर जाना। मैं सोच रहा था इस शैक में आके थोड़ा वो कर लूँ बट फिर मैंने अभी सर्कल देखा तो सर्कल के बाहर ही हूँ मैं, देख रहा था कोई क्रेट व्रेट लूटने जा रहा है कि नहीं तो उसको स्कोप करता मैं, बट सब लोग निकल ही रहे थे, एक गाड़ी यहाँ से निकल गई। तो मैंने सोचा कि चलो अब सर्कल में ही चलते हैं, सामने एक और दारसिया निकल रही थी। मैंने अब रियलाइज़ करा कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है और मुझे यहाँ पे पक्का था कि मैं मर जाऊँगा, बट शायद इस साइड कोई था नहीं और मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि मतलब मेरे को सामने ही बाइक भी मिल गई। तो अगर आखिरी कुछ सर्कल में, यहाँ पे थोड़ा लैग, आखिरी कुछ सर्कल में अगर आपके पास बाइक है तो काफ़ी सही हो जाता है, क्योंकि बाइक पे चलती हुई बाइक पे वो इतनी स्पीड से जाती है कि मारना बहुत मुश्किल होता है गोलियाँ। मैं यही सोच रहा था अब कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, क्योंकि मुझे एक जगह चाहिए थी जहाँ पे जो सर्कल के अंदर भी हो और आसपास कोई हो भी ना। पहले मैंने सोचा इस पे रुकूँ, फिर मैंने कहा कि यहाँ पे भी गाड़ी खड़ी है, आगे शैक पे भी गाड़ी खड़ी थी, गोलियाँ भी चलनी शुरू हो गई थी, बहुत ही रिस्की था पूरा मामला। मैंने सोचा कि थोड़ी देर तक ऐसी सर्कल में ही घुमाता रहता हूँ, अभी तो काफ़ी पेट्रोल था इसमें। आसपास गोलियाँ चल रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा भी रुकते नहीं है। और एक बंदा सामने लेटा हुआ है, मैंने सोचा था उसे कुछ लूँगा बट फिर वो एकदम से उठ गया, ऑलमोस्ट उसने मेरी हेल्थ ख़त्म कर दी थी, एक गोली का मेहमान था मैं बस। मेरे को ये स्पॉट सही लगा तो मैंने कहा कि यहीं रुक जाते हैं और थोड़ा हील हो लेते हैं। पर ये थोड़ा ओपन में था तो मैंने कहा सामने झाड़ी में चलते हैं, वहाँ पे तो शायद ही कोई देख पाए।
आसपास से और गाड़ियां निकल रही थी। थोड़ा बूस्ट अप कर लेते हैं अपने आप को, जिससे एंड गेम में एक दो गोलियां और ज़्यादा खा सकें। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप ऐसे एंड गेम में थोड़ा हो जाओ तो अपने आप को बूस्ट अप ही रखो, अगर आपके पास बूस्टर्स हैं तो। और लोड आउट काफ़ी अच्छा है, और ये बंदा एक भागता हुआ आया। पहले मैंने सोचा इसे यहाँ पर मारूँ, बट फिर वो यहाँ से मूव कर गया, तो मैं वेट ही कर रहा था कि कहाँ जाके वो रुकेगा। अब रुक गया वो, तो अब मैं मारता हूँ उसे। अब सिर्फ 6 लोग बचे हैं, और सर्कल के मैं थोड़ा बाहर हूँ। इससे ले लेते हैं हेल्थ थोड़ी, और फिर बाइक पे निकलते हैं सर्कल में। यहाँ पे भी खड़ी थी गाड़ी, गोलियाँ भी चल रही थी खूब सारी। मैंने कहा अभी यहीं रुक जाओ इसी पेड़ पे, बिल्कुल सेंटर में था मैं। ये पत्थर मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये दो पत्थर हैं, इनके बीच में मैं लेट सकता हूँ आराम से, कोई देख नहीं पाएगा। और अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मतलब मैं जीत जाऊँगा मैच। 8x स्कोप है, M249 है, और मुझे एक बंदे की तो लोकेशन पता थी कि वो मुझसे आगे है, पर मुझे दूसरे बंदे की लोकेशन नहीं पता है, तो मैं उसको ढूँढ रहा हूँ कि कहाँ है वो। अभी तक तो कोई बंदा नहीं दिखा है। मतलब इस वक्त पैनिकी हो जाते हैं एंड गेम में जब 2-3 लोग बचते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं बाकी लोग कहाँ हैं, कोई दिख नहीं रहा है, सब प्रोन में होते हैं। तो इस टाइम पे पेशेंस बहुत ज़रूरी है, स्मार्ट थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी सर्कल में था तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। मेरे पास बूस्ट भी थे, हेल्थ भी थी, तो इतना मैंने माइंड नहीं करा। मुझे पता चल गया कि एक बंदा वो सामने पेड़ पे है और वो किसी से लड़ाई कर रहा है, और मैं वेट कर रहा हूँ कि वो दूसरे बंदे को मारे। बड़ी देर तक उनकी लड़ाई हो रही है, बट अभी तक कोई मरा नहीं है, तो मैं वेट ही कर रहा हूँ कि भाई मार दो मार दो। तो अब क्योंकि लड़ाई ख़त्म हो गई थी और मैं सर्कल के बिल्कुल एज पे था या बाहर था थोड़ा, तो मैंने सोचा चलो एक को तो ख़त्म करते हैं। मैं चाहता तो और वेट कर सकता था यहाँ पे, बट थोड़ा पैनिकी सिचुएशन था तो मैंने कहा रिस्क नहीं लेते। अब वो प्रोन में था और सामने था, तो बिल्कुल मैंने उसको एक हेडशॉट ले लिया। अब मुझे ये पता था कि दूसरा बंदा है तो मेरे आगे ही, बट कहाँ है वो नहीं पता था। और यहीं वो मैं गलती करता हूँ, वो बंदा मेरे लेफ्ट पे था, उसी पेड़ पे जा रहा है, और मैंने उसे मिस कर दिया। अभी हम स्लो मोशन में देखेंगे दोबारा कि क्या हुआ, और मैं भाग रहा हूँ अगले पेड़ के लिए, पर उसने मुझे मिनी 15 से ख़त्म कर दिया और यहीं पे मैं मैच हार गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल।